हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा इसकी MID के ऊपर। ये थार गाड़ी है, 4x2 है और LX वेरिएंट है। वैसे हालांकि हर LX वेरिएंट के अंदर सेम MID हमको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखता है। लेफ्ट साइड के अंदर RPM मीटर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं टैकोमीटर। ये स्पीडोमीटर होता है, जो यहाँ पे स्पीड वगैरह के लिए देखने के लिए होता है। ये हर गाड़ी के अंदर सेम होता है, आपको सबको पता भी चीज़ होंगी। यहाँ पे ऊपर कुछ हमारे सिंबल वगैरह दिए हैं, इनकी बात मैं नहीं करने वाला इस वीडियो में। MID में क्या क्या फीचर्स हैं वो मेनली इसमें होने वाला है। DEF लेवल कैसे चेक कर सकते हो आप थार के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा छुप के दिया हुआ है। अभी क्या क्या दिखाया है आपको दिखाता हूँ, कहाँ से चेंज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे या यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। इसके कंट्रोल्स दिए गए हमको राइट साइड में इस जगह पे, ठीक है, ड्राइवर साइड से अगर आप देखते हैं। तो जैसे आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद में यहाँ पे दिए हुए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हमको लाइट एडजस्ट करने के लिए। ये MID कंट्रोल हमारे चार जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये वाला एंटर के लिए है या रिटर्न के लिए है। ये वाला जो है नए नेक्स्ट जो डिस्प्ले होगी उसको करने के लिए है, ये अप डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो कि स्पीडो वाला मैंने कर रखा है यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको जब नॉर्मली आप गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी। नीचे ऑटो दिया हुआ है, ऑटो मतलब टोटल कितनी गाड़ी चल चुकी है वो चीज़ दी हुई है, 781 गाड़ी चल चुकी है। लेफ्ट साइड में हमको दिया हुआ है टेम्परेचर गेज, राइट साइड में हमको दिया है फ्यूल गेज। ऊपर ये हमारे अलग अलग डिस्प्ले दिए हुए हैं कि इन इन डिस्प्ले में आप चला सकते हो। अभी गाड़ी खड़ी है तो 0 km/h की स्पीड है। अब इसमें देखो नीचे दिया हुआ है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो लाइट जो है ऑफ हो जाएंगी। तो आपको दिखाया तो मैं अभी प्रेस लॉन्ग प्रेस कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये वाली जो लाइट्स हैं इस पे आप इनको बंद करके गाड़ी चला सकते हो आराम से। आप अभी देखो, आप सिर्फ और सिर्फ MID चालू रहेगी तो ये रात को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फील करवाएगा। आपको आंखों में नहीं गिरेंगी लाइट्स बिल्कुल, मतलब आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने के अंदर, क्योंकि सिर्फ इसी की लाइट जलेगी, वो भी बहुत कम लाइट होती है इसकी, तो आपको आंखों में बिल्कुल नहीं चुभती है। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये वापस इस तरीके से कुछ दिखेगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट के लिए हमको दबाना पड़ेगा इस वाले बटन को, अभी आप देखना। अभी यहाँ पे इसने स्किप कर दिया है म्यूजिक वाला, क्योंकि म्यूजिक वाले के लिए अपने को USB कनेक्ट करनी पड़ेगी। USB कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे अपने को म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन वगैरह शो करेगा। तो ये वाली जो डिस्प्ले है यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि अपना जो स्टेयरिंग है वो किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी सेंटर के अंदर है। अभी मैंने राइट में घुमा दिया इसको, देखो वहाँ पे 10 degrees राइट आ चुका है। ये मैक्सिमम 50 degrees तक जाता है, तो राइट में घुमाओगे तो मैक्सिमम 50 degrees दिखाएगा, लेफ्ट में घुमाओगे तो मैक्सिमम 50 degrees आपको दिखाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले की। तो नेक्स्ट के लिए आपको वापस से प्रेस करना पड़ेगा उसको। तो नेक्स्ट जो हमारा वार्निंग हिस्ट्री है, तो वार्निंग हिस्ट्री वगैरह वैसे कुछ देखेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। एंटर करना है इसको, एंटर क्लिक करने के बाद में आपकी कौन कौन सी वार्निंग आ चुकी हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। तो अभी जैसे सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाया तो सीट बेल्ट की वार्निंग है। नीचे करते हैं, इसमें 2 warnings हैं। सेकेंडरी है कि गेट ओपन है, तो गेट ओपन कर तो मैं बंद कर देता हूँ अभी। तो ये वार्निंग तो है जो वो हट जाएगी, या फिर देखते हैं हटती है क्या। डिस्प्ले चेंज करने बाद में नहीं हटी, नहीं अभी भी यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन गेट जो है बंद दिखा रहे हैं हमको यहाँ पे। सर नेक्स्ट जो डिस्प्ले है वो है, नेक्स्ट डिस्प्ले जो हमारी है वो सेटिंग्स की है। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको एंटर पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक सेटिंग है, पैसेंजर एयरबैग। तो पैसेंजर एयरबैग को आप टर्न ऑन ऑन ऑफ कर सकते हो, तो यहाँ पे भी ऑन है। इसका इंडिकेशन भी आपको देखना हो तो इसका इंडिकेशन जो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी जैसे यहाँ पे लाइट जो ज़्यादा है, अभी देखो अभी ऑन पे है, मैं इसको अगर ऑफ करता हूँ, इसको एक बार हम ऑफ करने के लिए वापस जाना पड़ेगा हमको। अभी मैंने ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे पहले इंडिकेशन आएगा और यहाँ पे भी जो है ऑफ पे आ जाएगा। तो अभी इसको हम वापस से ऑन कर देते हैं, ये सेटिंग के एक फटाफट आपको सेट करनी पड़ती है, अदरवाइज ये हट जाती है। ये वैसे ऑटोमेटिकली ऑन ही आते हैं, अगर आप गाड़ी भी कुछ टाइम बाद में स्टार्ट करोगे तो ऑन भी रहेगा। तो ये टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में ऑफ तो नहीं है, तो ये हमेशा ऑन ही आता है। फिर भी आप इंडिकेशन के लिए आपके जो मैंने बताया अभी सेंटर कंसोल पर चेक कर सकते हो ये चीज़। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे टाइम वाला है, इसमें आप टाइम देख सकते हो। टाइम के बाद देखो आप नीचे दिख रहा होगा आपको एरोज दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो एरो के लिए जाने के लिए अपने को अप डाउन कीज़ का यूज़ करना है। तो मैं डाउन करता हूँ,
तो आप जैसे डाउन कर रहे हो तो ट्रिप ए में कितनी गाड़ी चली है वो यहाँ पे शो कर देगा आपको। ट्रिप ए में अभी देख लो कितनी स्पीड जो मेंटेन की है आपने, एवरेज वो दिखा देगा, कितने घंटे गाड़ी आपकी चली वो दिखा देगा। सेम ट्रिप बी आएगा, ट्रिप बी के अंदर कितनी गाड़ी हमारी चली है, क्या एवरेज स्पीड रही है, वो भी यहाँ पे शो कर देगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है, वापस टाइम आ जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो यहाँ पे फ्यूल का ऊपर दिख रहा है हमको, फ्यूल वाले में कितनी आपकी एवरेज जो निकली है वो 14.1 की निकली है। तो इसकी माइलेज जो निकाल रही है गाड़ी वो बहुत ही अच्छी निकाल रही है। अभी तक इसके अंदर हम टोटल दो बार टैंक फुल करवा चुके हैं। अब दो बार टैंक फुल के अंदर आप देख लो 781 किलोमीटर चल चुकी है, प्लस जो हमारी अभी भी फ्यूल गेज आपको देख रहा होगा हाफ टैंक से ज़्यादा है, 60% की नियर है। तो आप देख लो कितनी और चल जाएगी। तो इसका माइलेज जो अच्छा निकल रहा है, और चलाई इसको हमने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अलग अलग टेरेंस पे है, माउंटेन्स में भी चली है गाड़ी, हाईवे में भी चली है गाड़ी, सिटी में भी चली है गाड़ी, और मोस्टली गाड़ी जो है वो आराम से नहीं और रेस्टली यूज़ की गई है। आप कह सकते हो कि और ज़्यादा आरपीएम पे चलाई गई गाड़ी है, तो जो माइलेज निकल रहा है ना अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा निकल रहा है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, तो इसको नीचे क्लिक करेंगे, नीचे भी दिया हुआ ऑप्शन। तो ये डीटी दिया हमको डिस्टेंस टू एम्प्टी कितनी किलोमीटर और चलेगी, तो 500 किलोमीटर के अकॉर्डिंग और चल जाएगी, 498 टू बी एग्जैक्ट। नेक्स्ट जो है डीएफ लेवल, तो इसका डीएफ लेवल यहाँ देखने को मिलता है 94% अभी इसका डीएफ लेवल बचा है। और अभी देख लो आप, हमने गाड़ी ली थी 38 किलोमीटर पे, हमको गाड़ी दी थी वहां से, और अभी तक हमारा 6% जो है वो कम हुआ है डीएफ लेवल। और इसको हमको कब रिफिल करवाना पड़ता है मैं आपको बता दूंगा, अभी भी होता है। सो नेक्स्ट चेक करते हैं, तो नेक्स्ट वापस से बोला जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमको स्पीड का दिखाया था, मैंने आपको बताया था, वही चीज़ हम वापस आ चुकी है। तो सिर्फ एक म्यूजिक वाला जो है वो चीज़ बाकी रहती है, उसके बाद इसके अंदर जो है सब चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं। अगर आपको टाइम वगैरह सेट करना हो तो यहाँ से सेट करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है, वो आपको सेट करना पड़ेगा यहीं से, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको सेपरेटली टाइम जो सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड ही आता है। तो ये था वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।